आज मैं आपके लिए इडली और बादाम की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए हमारा ये कितना टेस्टी इडली बना है, फुला फुला एकदम, और साथ में है हमारा ये चटनी बादाम का। तो कैसा लगा ये हमारा इडली और चटनी का रेसिपी, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए तो वीडियो बनाना करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहारी गर्ल गीतांजलि की रसोई में स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ, तो वो है इडली। तो मैं आपके लिए इडली की रेसिपी लेके आई हूँ, स्पंजी, मुलायम और फुला फुला इडली कैसे बनता है वो भी गांव में। शहर में तो फ्रेंड सारा चीज़ उपलब्ध होता है तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गांव में जिस जगह पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत, मतलब गांव में तो आप लोग समझते ही हैं कि बहुत कम चीज़ उपलब्ध होता है। तो चलिए तब पर भी हम कोशिश करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई हमारा गर्म है फ्रेंड, पहले से ही इसमें हम बादाम फ्राई किए हैं चटनी तैयार करने के लिए। कढ़ाई हमारा बिल्कुल हीट है, अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ रिफाइन का तेल, ज़्यादा नहीं डालना, 3 से 4 चम्मच डालना है। तो तेल को गर्म होने देंगे, तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ काली वाली सरसों, गांव की भाषा में इसको गोट बोलते हैं, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। इसको चटकने देंगे अच्छी तरह से। अगर आपको सरसों का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा गोल्डन तड़का बिल्कुल हो गया है, गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सूजी को, सूजी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये कच्चा कच्चा पन वाला टेस्ट जो है ना फिर वो ख़त्म हो जाए। इसको चलिए थोड़ा सा 2 से 3 मिनट थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, इस तरीके से इसका कच्चापन का टेस्ट सिर्फ चला जाए। यहाँ पे हमारा सूजी हल्का सा फ्राई हो गया है, इसका कच्चापन का टेस्ट ख़त्म हो गया है, मतलब कच्चा कच्चा अब ये नहीं लगेगा, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा ये हमारा सूजी फ्राई हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम कर देती हूँ ऑफ। यहाँ पे 4 से 5 ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड का ये साइड साइड से जो रहता है हार्ड वाला पार्ट को इसको अलग कर दिए हैं, इसका इडली में कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए चटनी जो बताए थे बादाम फ्राई किए हैं, यहाँ पे चटनी के लिए बादाम फ्राई करके ले लिए हैं। तो चलिए अब इसका सामग्री तैयार कर लेते हैं। अब हम और एक बात फ्रेंड, सूजी को बिल्कुल ठंडा होने देना है, गर्म में बिल्कुल घोल तैयार नहीं करना है, इसको आधा घंटा के लिए हम ठंडा होने देंगे आराम से। हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है तो हमारा इडली अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे इडली में देने के लिए कुछ सामग्री हम तैयार कर लिए हैं जो कि आप लोग देख लीजिए, धनिया का पत्ता, प्याज 2 बड़े साइज का लिए हैं, एकदम बारीकी है ये देखिए, एकदम पतला पतला छोटा छोटा है। टमाटर 2 बड़े साइज का एकदम पतला पतला काटना है, चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, एकदम छोटा छोटा काटना है क्योंकि फ्रेंड इडली में ऐड करना है, तो इडली में बड़ा बड़ा टुकड़ा। यहाँ पे ले लिए हैं फ्रेंड 1 कटोरी दही, दही हमारी थोड़ी सी खट्टी है, मतलब ज़्यादा नहीं है, कल सुबह में ही इसको तैयार कर लिए थे, 1 पैकेट तीनों ले लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम घोल बनाना तैयार स्टार्ट कर देते हैं। सूजी को हम गमले में निकाल लिए हैं फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आप मेरे प्यारे फ्रेंड हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है फ्रेंड, ले लूँगी फ्रेंड, पैसा होगा तो ले लूँगी, अभी नहीं ले सकती हूँ मैं क्योंकि आप लोग को
है सब चीज, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ आप लोग को। तो चलिए इसमें मैं ऐड कर देती हूँ दही और नमक, नमक एक चम्मच बड़ी वाली चम्मच से आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए, और एक चम्मच एक पैकेट पूरा इनो ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे जितना सामग्री फ्रेंड हम पहले से आपको दिखाए थे वो सभी को ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करके और धीरे धीरे इसका घोल तैयार करेंगे हम। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और घोल को मिलाते जाएंगे। तो मैं मिला लेती हूँ फ्रेंड, थोड़ा सा फ्रेंड आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं घोल तैयार करके आपसे फिर मिलती हूँ 5 मिनट में। तो हमारा इडली का घोल बनके तैयार हो गया है। देखिए ना फ्रेंड, ना गाढ़ा ना पतला रखना है, इस तरीके से एकदम मीडियम में रखना है इसको। अब हम 10 मिनट के लिए पूरा अच्छी तरह से कवर करके और खुलने के लिए डाल देते हैं। जब तक ये हमारा खुलेगा तब तक किसी वक्ते पर मैं जाती हूँ कहीं किसके लिए आती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास मिक्सी नहीं है। आप लोग बैड कमेंट नहीं कीजिएगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये वो इस तरह नहीं बोलिएगा, क्योंकि बुरा लगता है फ्रेंड। नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया है, यहाँ पे हमारा घोल कितना बढ़िया हो गया, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम जैसा हमें चाहिए, एकदम परफेक्ट हो गया है। चलिए अब स्टैंड तैयार करते हैं। ये हमारा स्टैंड है, इसको अच्छी तरह से रिफाइन या घी लगा के तैयार कर लेते हैं पहले। यहाँ पे पानी भी हमारा गर्म हो गया है, देखिए बिल्कुल पानी आ गया है। सभी चार प्लेट तेल लगा के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे चारों प्लेट में इडली सेट कर दिए हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं। अब इसको हम कुकर में डालते हैं, ये देखिए कुकर में डाल दिए हैं, थोड़ा सा ये थैला जैसा हो गया है। अब इसका सिटी निकाल के और ढक्कन सेट कर इस तरह से कुकर का ढक्कन ऊपर से रख देना है और 5 मिनट तेज फ्लेम पे और 20 मिनट एकदम लो फ्लेम पे इसको पकाना है। चलिए पका लेते हैं पहले। तो हमारी इडली 20 मिनट हो गई है, इसको चाकू के सहारे से चेक करके देख लेंगे। देखिए बिल्कुल ये नहीं चिपकता है, पूरा पक के तैयार हो गया। तो इसको कुकर से बाहर निकाल के थोड़ा देर ठंडा होने के बाद स्टैंड से इसे अलग कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट बैच की इडली बन के तैयार हो गई है फ्रेंड। छोटी वाली स्टैंड थी इसलिए छोटी छोटी इडली हुई है। तो कैसा बना कमेंट करके बताइएगा, इसे मैं चटनी बना के भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ध्यान से मिला, बाय।